Third class students, good morning. Okay, next हमने अगला क्लास के अंदर एक्सरसाइज 6 के डिवीजन चैप्टर के डिवाइड किए थे. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड. थर्ड नंबर क्वेश्चन के पास ए दिखेगा आपको ई और डिवाइड करना 6 के टेबल से एट एन करना. ओके, अब 6 के टेबल के एटीन से डिवाइड करना. 6 के टेबल को रीडिंग करिए. एटीन कितना टाइम लगता है आपके? 16 3 16 3 18. ओके, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो. नेक्स्ट बी. बी के अंदर आपको मिल देखा है 6 से डिवाइड करना है. 48 है नंबर. ओके, 16 1 16 16 2 16 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
ए एन डी नॉट कीजिए, फिर प्लस सी एन डी करते हैं। सी क्या आंसर दे देगा आपको, सेवन से डिवाइड करना है सिक्स के तले, सी सेवन से डिवाइड करना है इसी तरीके के अंदर, सेवन की टेबल रीडिंग करेंगे तो आपके सेवन नाइन जो सिक्स के तरीके अंदर कितने टाइम डिवाइड हो गए, नाइन टाइम के अंदर कितने, नाइन सिक्स के थ्री माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो। ओके नेक्स्ट है आपके डी, डी के अंदर देखेगा एट की टेबल से डिवाइड करना है फिफ्टी सिक्स को, 56 है और किसके टेबल से, एट के टेबल से, तो कितना हो जाएगी एट सेवन का 56, कितने टाइम आता है एट के टेबल में, सेवन टाइम, एट के अंदर 56 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो। ओके नॉट कीजिए एट से डी तक कंप्लीट करते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन वन से डिवाइड करना है, ये वन से डिवाइड करना है एट को, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट कितने टाइम आता है, एट टाइम आता है, तो एट आंसर हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर, जीरो। ओके नॉट कीजिए नेक्स्ट आपके बी, बी का अंदर देगा वन से डिवाइड करना है थर्टी नाइन, तो आपके वन से आप काउंटिंग कितना करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव से आपके थर्टी नाइन टाइम आएगा, थर्टी नाइन तो आपके थर्टी नाइन कितने टाइम आया, थर्टी नाइन टाइम, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो। ओके नॉट कीजिए ए एन बी, फिर नेक्स्ट है आपके सी और डी, सी का देगा फाइव डिवाइडेड फोर्टी, एट टाइम होता फाइव एट का फोर्टी, माइनस करेंगे रिमाइंडर जीरो। नेक्स्ट डी, डी के अंदर नाइन की टेबल से डिवाइड करना है फोर्टी फाइव के अंदर, कितना टाइम होता है, नाइन का
45 कितने टाइम वाला है 9 बाय द 45 5 टाइम वाला है माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा ओके नॉट डीजी कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डिवाइड करना है 7 और 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा क्या आपके 0 ही आएंगे क्या आएंगे जीरो इतना ही रखना चाहिए नेक्स्ट बी बी के अंदर 8 है और 8 के अंदर ही डिवाइड करना तो 8 वन का 8 वन टाइम ओके रिमाइंडर 0 बी नॉट डीजी नेक्स्ट आप सी सी के अंदर 1 से डिवाइड करना 48 में तो 48 टाइम होगा 1 से 48 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 नेक्स्ट है आपके डी वन से डिवाइड करना है वन के अंदर जितने टाइम होते हैं वन टाइम फाइनल करेंगे तो रिमाइंडर 0 ओके नॉट कीजिए कंप्लीट फाइव नंबर हो गया कंप्लीट सिक्स सिक्स नंबर क्वेश्चन के अंदर दे देगा आपको ई 32 डिवाइड और तो यानी कैसे करना आपको 32 के अंदर डिवाइड करना है और से कितने टाइम हो जाएंगे 48 का 32 आ जाएंगे कितने टाइम 8 टाइम 48 का 32 माइनस और फिर जो बॉक्स बना उसके अंदर आपको नॉट कर लेना 8 कितने 8 नेक्स्ट आपके बी बी के अंदर दे देंगे 45 डिवाइड 1 तो 45 टाइम हो जाएंगे डिवाइड कितने टाइम होंगे 45 टाइम ऐसे 45 और डिवाइड करना 1 से कितना टाइम आएगा 45 टाइम आएगा 1 की टेबल के अंदर ओके 0 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी 0 के अंदर डिवाइड करना है 3 से तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 नॉट कर देना नेक्स्ट डी डी के अंदर दे देंगे 36 डिवाइडेड 6 ओके 36 के अंदर डिवाइड करना 6 से तो कितना टाइम बन जाएंगे 6 का 36 6 टाइम रिमाइंडर 0 तो यहाँ 6 नॉट हो जाएगा ओके नॉट कीजिए कंप्लीट फिर लास्ट क्वेश्चन मिलता है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं
7 एमएम से लेने के अक्रॉस माय फेवरेट पॉडकास्ट राइट ए लेटर ऑफ द करेक्ट क्वेश्चन है बिलो ईच ऑफ डिवीजन प्रॉब्लम ओके तो आपके वर्ड कौन से बन गए हैं सी एस
दैट इज टेस्ट गेम हो गया ओके, ये नॉट भी दीजिए आप कैंसिल करें, ये कंप्लीट नॉट दीजिए और इसी एंसर के साथ आपके ये एक्सरसाइज भी डी भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज छोड़ देंगे ओके, कंप्लीट नॉट कर लीजिए।